चंद घंटों की नहीं महासागरों सी दूरी है इनकी। कोरोना में भी अपनों से दूर ये अजीब सी मजबूरी है इनकी। पर दूर होकर भी पास वालों से ये ज्यादा फिक्र करते हैं। 10 मिनट के फोन में 9 मिनट सिर्फ मास्क के नसीहतों की जिक्र करते हैं। ब्रिज विंग में चुपचाप खड़े अपनों की यादों में ये भी खोते हैं। बाहर से ग्लैमर की परत ओढ़े भीतर से कभी कदा ये भी रोते हैं। पर शाम को लाउंज में दोस्तों की पंगत बिठाते हैं। एक बार की देखी कॉमेडी मूवी एक बार फिर से लगाते हैं। सुट्टे की राख एस्ट्रे में डुबो धुएं में सारा गम उड़ाते हैं। मस्त मौला लोग हैं जनाब, इन्हें गम की आदत कहाँ। लोग डरे अखबार और टीवी से पर इन्हें अपने काम से फुर्सत कहाँ। कभी अंधेरी रात में रडार पर जहाजों की निगहबानी करते तो कभी PSC इंस्पेक्टर की बखूबी मेजबानी करते। कभी इंजन रूम की आवाज में पाइपों की गर्म नब्स टटोलते तो कभी कालिख सने हाथों से मशीनों की मुश्किल परत खोलते। कभी उफनते समंदर में कार्गो टैंक का चेहरा चमकाते तो कभी अपने दोस्तों के खातिर संडे की लजीज बिरयानी पकाते। घर से बाहर मत निकलो ये बातें जमीन पर बंधन होंगी, पर महीनों जहाज पर जो कैद रहा अकेलेपन की उसको खाक टेंशन होगी। सड़क पर निकलने में भी लोग बड़ी मुश्किल से मास्क लगाते हैं और ये हेलमेट ईयर ऑफ सेफ्टी गियर पहने बेहिचक कोने खोपचों में घुस जाते हैं। कभी सोचा है आपने कि ये खाना पीना बिजली बत्ती समंदर के हिचकोले सहकर कौन ढोलाता है रत्ती रत्ती। घरों में बंद आप सब तक जरूरत की हर चीज कौन पहुंचाता है। पर्दे के पीछे ही सही अपना किरदार कौन बखूबी निभाता है। डॉक्टर पुलिस नर्स की खातिर ताली पीट रही है जनता है, पर जहाजियों की इस मेहनत